आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, तुम लोग प्रिसाइज राइटिंग पढ़ा, बहुत जन होमवर्क नहीं किया तो हम ये नहीं बता सकते किसको क्या डाउट है। तो सबको सबसे रिक्वेस्टेड है आज शाम तक होमवर्क भेज देना, जो डाउट है मेरे से डिस्कस कर लेना। और जो बच्चे भेजे वो लोग में से बहुत जन ना रफ वर्क नहीं किए, तो मेक श्योर कि तुम लोग रफ वर्क करो। ठीक है, रफ वर्क तुम लोग को सीए इंस्टीट्यूट नहीं बोलता है, लेकिन वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड कि तुम लोग रफ वर्क करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल भैया आर्टिकल राइटिंग में, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज एन आर्टिकल, व्हाट इज एन आर्टिकल। एक आर्टिकल होता क्या है? आंसर है, एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग, एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट in newspaper or on internet. आर्टिकल कहाँ रहता है भैया? हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि बहुत जन ना अपना छोटा छोटा आर्टिकल लिख के उसमें डालता है। स्कूल मैगजीन तुम लोग का होगा बहुत जन का, तो स्कूल मैगजीन में देखो कोई पोयम लिखा तो वो डल जाता है, कोई कुछ अपना व्यू रखना चाहता है तो वो डाल देते हैं न्यूज़पेपर में, स्कूल मैगजीन में, इंटरनेट पे ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, वो सब आर्टिकल है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला सवाल भैया, ये सीख क्यों रहे, जरूरत क्या है हम लोग को ये जानने का कि आर्टिकल कैसे लिखते। तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, ठीक है, हल्का फुल्का चीज नहीं है। हमारे देश का इकोनॉमी हम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं और हम लोग उसमें बेमानी करेंगे, उसका नॉलेज नहीं होगा तो अल्टीमेटली देश को नुकसान होगा। ठीक है, तो वी आर ऑल्सो द इकोनॉमिक वॉरियर्स, जैसे सोल्जर्स है ना वहां पे, वैसे यहाँ पे कौन है, देश का इकोनॉमिक वॉरियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CMAs, ये लोग होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नॉलेज होना हर सब्जेक्ट का जरूरी है, और उस नॉलेज को आर्टिकल में लिख कर न्यूज़पेपर पे डालना, इंटरनेट पे डालना, ये सब जो तुम लोग सीए बन जाओगे तब तुम लोग करोगे। और जब आएगा ना इकोनॉमिक टाइम्स में तुम्हारा आर्टिकल आ रहा है, वेरी प्रेस्टिजियस थिंग, कितना बड़ा न्यूज़पेपर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन पढ़ते हैं, तो वो सब के लिए तुम लोग को आज से प्रिपेयर कराया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है आर्टिकल भैया, समझ गए? फॉर्मेट क्या है आर्टिकल का, लिखो फॉर्मेट, फॉर आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट फॉर आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले होता है, अभी कोई कॉपी मत करना, पहले देख लो, समझ लो, फिर कॉपी करने का हम टाइम देंगे। सबसे पहले होता है हेडिंग। ठीक है, एक हेडिंग बीचों बीच लिख दिया जाता है, ओके, और फिर एक लाइन छोड़ के नीचे होता है तुम लोग के राइट हैंड साइड में बाई और तुम लोग का नाम। फॉर एग्जाम्पल समर्थ लिख रहा है, या फिर सिमरलीन लिख रही है, राहुल लिख रहा है, कोई भी लिख रहा हो तो तुम लोग का नाम होता है। ठीक है, और जनरली न्यूज़पेपर में डेट और प्लेस भी डाला जाता है। ठीक है, डेट और प्लेस भी डाला जाता है। अभी एक बात तुम लोग को बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जब तुम लोग अपना नाम लिखोगे ना, तो ये नॉर्मल आर्टिकल राइटिंग के लिए What I will recommend personally कि तुम लोग अपना नाम के जगह किसी और का नाम लिखो, या फिर A, B, C, X, Y, Z, मतलब अपना नाम disclose मत करना। ठीक है, अपना नाम I will recommend you कि disclose मत करना। Reason, जो paper check कर रहा है ना उसका mood है ये reason। ठीक है, मानो जो paper check कर रहा है उसका mood खराब है। ठीक है, किसी एक बंदे पे, उस बंदे का नाम है अजय और यहाँ पे लिखा हुआ भाई अजय,
तो कहीं ना कहीं वो तुम लोग का पेपर पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो मार्क्स डालने पे रिफ्लेक्ट होगा। और सीए में तो हम लोग बोल भी नहीं सकते कि कम मार्क्स क्यों दिया, क्या बोलेंगे बीसीआर में कम मार्क्स क्यों दिया, नहीं बोल सकते। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो सबसे पहले हेडिंग, फिर बाई नेम, और उसके बाद पूरा का पूरा कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं, और सब हम तुम लोग को सिखाएंगे, ठीक है। और लास्ट में होता है कंक्लूजन, दैट्स इट। ये फॉर्मेट है, ये जो है फॉर्मेट है। अब तुम लोग कॉपी करो, इतना सा चीज है आर्टिकल। फिर भी बच्चा लोग सबसे कम इसमें ही स्कोर करता है बीसीआर में। रीजन, यहाँ पे देखा जाता है कि तुम लोग का इंग्लिश का लेवल क्या है। हम बोले ना डेली एक इंग्लिश वर्ड पढ़ने, प्रेसाइज राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। तुम लोग जब इको का आंसर लिखोगे, लॉ का आंसर लिखोगे, तब वो वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, तब टीचर को दिखाया जाएगा कि वो टीचर देख मेरे पास कितना नॉलेज है, और तब टीचर इंप्रेस होकर तुमको मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये रीजन है इंग्लिश पढ़ने का, वोकैबुलरी इंक्रीज करने का। तो जो बच्चा वोकैबुलरी इंक्रीज नहीं कर रहा है, दे आर इन अ ह्यूज लॉस। फटाफट सबको इसको कॉपी करो और यो मैसेज करो। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। लिखो टिप्स टू राइट एन इफेक्टिव आर्टिकल। एक इफेक्टिव आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग। अभी इसका जब हेडिंग लिखना है तो कम से कम 5 to 7 वर्ड्स का हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5, ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ड का हेडिंग, मतलब टोटल एक फ्रेज टाइप का हेडिंग होना चाहिए, काफी कैची रख सकते हैं उसको, ठीक है। 5 से 7 वर्ड्स हेडिंग जो है वो आई कैचिंग होना चाहिए। जब अगला तुम्हारा हेडिंग पढ़े तो उसको लगे कि हाँ ही हैज रिटन समथिंग। हेडिंग पढ़कर ही मजा आ जाए। कैसे मूवी का जो नाम होता है उससे हम लोग काफी प्रभावित होते हैं, उसी तरीके से तुम्हारे आर्टिकल का हेडिंग। यस, हेडिंग 5 से 7 वर्ड में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। हेडिंग कहानी थोड़ी है, हेडिंग तो बस मतलब अभी तुम लोग को दिखाएंगे हम, छोटा सा चीज होता है, ठीक। दूसरा रिलेटेबल। अभी 5 से 7 वर्ड का तुम लोगों को हेडिंग लिखना है। अभी कोई बच्चा क्या किया, उसको हम बोले वोकैबुलरी बढ़ाओ, अगला एकदम भारी भारी वर्ड हेडिंग में डाल दिए, ठीक है। अगला क्या किया, हेडिंग जो है वो और उसका आर्टिकल उसमें कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ईस्ट और वेस्ट वाला सिचुएशन है, हेडिंग कुछ और है, आर्टिकल कुछ और है, जीरो मिले। तो रिलेटेबल होना चाहिए। गिव एन आइडिया, गिव एन आइडिया ऑफ द थीम। थीम का एक आइडिया दे दो कि भैया इसके ऊपर अपना आर्टिकल है। और क्रिस्प रखना है, ठीक है, मतलब छोटा सा ही है। 5 से 7 वर्ड जो हेडिंग है ना वो छोटा ही है, क्रिस्प एंड शॉर्ट है, शॉर्ट भी होना चाहिए और मजेदार भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हेडिंग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाई लाइन वाला। बाई लाइन मतलब भैया जो लिखते हैं ना बाई अपना नाम, तो उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाना चाहते हैं। यहाँ पे होता है नेम ऑफ द राइटर। चाहो तो अपना नाम लिखो, लेकिन इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफ साइड आई रिकमेंड कि अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर बोला न्यूज़पेपर वाला, इफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट है तभी डेट प्लेस ये दोनों भी लिखेंगे, डेट और प्लेस भी लिखेंगे। कब? न्यूज़पेपर रिपोर्ट में, इंटरनेट रिपोर्ट में नहीं लिखना है, इंटरनेट आर्टिकल में नहीं लिखना है। डेट और प्लेस भैया नेम के नीचे ही आएगा। हाँ, जो है ना बाई लाइन, उसके नीचे एक लाइन नीचे
डेट और प्लेस। अच्छा अगर क्वेश्चन में मानो कोई नाम नहीं है, नो नेम इन क्वेश्चन, यूज एक्स वाई जेड ए बी सी कर सकते हैं। तो ये था बाई लाइन, छोटा सा चीज है, तीन पॉइंट बताए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी। वो ऊपर करिए ना, एक सेकंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ भैया? नो वन नो नेम इन, जैसे बहुत बार होता है ना क्वेश्चन में दे दिया रहता है कि तुम एक आर्टिकल लिख रही हो इस नाम से, ठीक है, तब तुमको उसी नाम से लिखना हो। लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं दिया किस नाम से लिखना है तो अपना नाम यूज करना अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि भैया हो सकता है टीचर का इस नाम से कोई खराब एक्सपीरियंस हो, तो हम लोग को एक जगह भी मतलब नहीं छोड़ना है कि आगे वाला मार्क्स काटे, ठीक है। देखो सीए में ह्यूमन बीइंग पेपर चेक कर रहा है, हो सकता है किसी का खराब एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। ओके, अब आते हैं बॉडी में। सबसे पहले ना बॉडी तीन हिस्सा में बंटता है। पहला होता है इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी याद है अपन एस्से लिखते थे, छोटा सा एस्से, इंट्रोडक्टरी या फिर ओपनिंग पैरा भी बोलते हैं इसको, इंट्रोडक्शन। ये ना काफी कैची होना चाहिए, ठीक है, कि आदमी जब इंट्रोडक्शन पढ़े तो उसको लगे भाई मेरे को ये आर्टिकल तो पूरा पढ़ना है। जब टीचर पढ़ रहा है, टीचर के पास ना मानो 100 पेपर वो चेक कर रहा है, तुम्हारा 56th पेपर है, तो ऑलरेडी कम से कम भी नहीं तो 40 खराब पेपर चेक कर चुका होगा, काफी इरिटेटेड होगा। तो जब तक तुम्हारा पेपर आए तुम एक ऐसा लाइन दे दो उसको कि उसको लगे आ यार ये कुछ लिखा है इसको पढ़ा जाए, ठीक है। तो कैची होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। What I will recommend कि यहाँ पे ना, यहाँ पे तुम लोग मुहावरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में लिखो जो होता है ना, मानो sayings लिख दो, sayings, ठीक है, मुहावरा, मुहावरा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैसे लाइन लिखने के लिए कहाँ से लाते हैं भैया? वैसे लाइन लिखने के लिए बाबू तुम लोग को बोले नोवेल पढ़ो, तुम लोग को बोले इंटरनेट पे सर्च करो, तो वो सबसे मिल जाएगा। प्रोवर्ब्स वगैरह देखोगे ना तो वहां पे मिल जाएगा। कॉपी करो सबको, शायद फ्रेज बोलते हैं मुहावरा को, फ्रेज, एक सेकंड, फ्रेज। देखो वो सब तुम लोगों का ग्रामर का पार्ट है, तुम लोग को वहां पे हम सिखाएंगे, ठीक है, बट वो फ्रेज नहीं होता है, जो हम बोल रहे हैं वो प्रोवर्ब है, ठीक है, लिख दो नीचे में प्रोवर्ब, ठीक है। फ्रेज हो गया ना कि कोई सेंटेंस का एक हिस्सा तुम लोगों को बताया जाए, और प्रोवर्ब बेसिकली होता है कि बहुत फेमस सेइंग है। जैसे हम लोग का है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगे, भोरे करेगा कब, बहुरी करेगा कब। सो व्हाट इज दैट, दैट इज अ सेइंग, बहुत फेमस सेइंग है, बहुत फेमस कहावत है, तो ये सबको प्रोवर्ब बोलते हैं। फ्रेज जरूरी नहीं है कि प्रोवर्ब, बट एवरी प्रोवर्ब मे बी अ फ्रेज, ठीक है। ध्यान रहना है कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे भैया, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग करने के लिए हम लोग प्रोवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम घुसाना ही है प्रोवर्ब, यू कैन यूज इट, ओके। दूसरा बॉडी में इंट्रोडक्शन, एक सेकंड, नाक में दम करना, बिल्कुल, यस सिमरलीन, आइडम्स भी बोलते हैं इसको, आइडम्स। सेकंड, बॉडी में हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स डालना ही डालना। ये तुम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या लिख रहा है, आर्टिकल। तो इससे पहले हम तुम लोग का हाथ बांध के रखे थे कि बाबू तुम लोग अपना ओपिनियन नहीं देगा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अपना ओपिनियन दो, जो नॉलेज है ना उसको झाड़ो। हम बोले थे इन शॉर्ट्स रखो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, मनी मनी कंट्रोल से पढ़ो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में तुम लोग को कोई भी टॉपिक दे सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली कोविड के कारण इकोनॉमी का क्या सिचुएशन ये टॉपिक देगा, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है ये टॉपिक देगा, इंडिया का जीडीपी क्या है ये सब पूछेगा, ठीक है, ये सब के ऊपर आर्टिकल लिखने बोलेगा। तो जब ऐसा कोई आर्टिकल बोले और तुम उसमें कोई नंबर इंक्लूड ना करो कि -23% था इस डेट पे, ठीक है, इतना हजार केसेस मिल रहा था इनिशियली कोरोना का इंडिया में,
और फिर लेटर इट इंक्रीज टू 95,000 पर डे, ठीक है, क्या रिकवरी रेट है, ये सब तुम लोगों को जानना जरूरी है, एग्जाम में ये सब का मार्क्स मिलेगा। देखो बाबू, आई गिव यू अ गारंटी कि मानो अगर 100% बच्चा बैठ रहा है तो उसमें से 40% ही अच्छा आर्टिकल लिखेगा, फैक्ट और फिगर डालेगा, तो तुमको 60 में रहना है या 40 में, दैट इज योर चॉइस। तो कोशिश करो कि जो नॉर्मल जनरल टॉपिक्स है उसके बारे में फैक्ट्स और फिगर्स तुम लोग के दिमाग में हो, क्योंकि आर्टिकल में लिखना होगा, मार्क्स मिलेगा। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई चीज के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल लिख रहे हैं पॉवर्टी के ऊपर, गरीबी, तो गरीबी में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गरीब लोग को काफी प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जाम्पल, और कोई फेमस एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि कोरोना वायरस के सीन में जो लोग काफी गरीब थे, जो लोग महाराष्ट्र वगैरह में रह रहे थे, अपने गांव वापस आने के लिए पैदल चल के आ रहे थे, इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट लोग थे वो लोग भी पैदल चल के आ रहे थे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं कि बहुत लोग गरीब का मदद भी करता है सोनू सूद का नाम देते हुए, तो ये सब एकदम रियल लाइफ रिलेटेड है, ठीक है, एकदम रियल लाइफ तुम लोग को यूज रखना है यहाँ पे। और उसके बाद कॉजेस, डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये सब लिखना ही लिखना है, बेनिफिट्स ये सब लिखना ही लिखना है, कॉपी कर। अरमान बोलता है कि पहले अंबानी भी गरीब था, अभी हम एक कहावत बोले थे ना, छोड़ो कल की बातें, क्या था, हाँ नहीं हम ये नहीं बोले, तो छोड़ो कल की बातें, कल पास्ट था, अब अंबानी कितना रईस हो गया, तो वो एग्जाम्पल दे सकते हैं, कल की बात पुरानी। हाँ, कल की बात पुरानी, एक काफी फेमस सेइंग है बाई बिल गेट्स, ठीक है, कि इफ यू आर बॉर्न पुअर देन इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट, बाई बिल गेट्स, ठीक है। तो मानो अगर पॉवर्टी के ऊपर आए तो हम लोग ये सब घुसा सकते हैं बीच में, ठीक है, बट ये सब इंट्रोडक्शन में, जो उसके बाद का बॉडी होगा ना, इंट्रोडक्शन, फिर मानो तीन पैराग्राफ, तीन से चार पैराग्राफ हम लोग डाल रहे हैं आर्टिकल में, तो इंट्रोडक्शन छोटा सा, दो तीन लाइन का, चार लाइन का, फिर बॉडी रहेगा जिसमें हम लोग ये सब लिख देंगे, कॉजेस, डिसएडवांटेज, प्रो कॉन्स, बेनिफिट्स, ठीक है, इसमें तुम्हारा फैक्ट एंड फिगर रहेगा, ठीक है, और फिर इसके बाद जो हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग अपना ओपिनियन डाल सकते, ठीक है, अपना ओपिनियन डालते टाइम बहुत ध्यान रखना है, हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन ऑफेंसिव हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी बहुत बड़ा ये मतलब फेमस सीन चल रहा है, ठीक है, कंगना रनौत को लेके, तो ऐसा आर्टिकल नहीं पूछेगा कोई हीरोइन के ऊपर, फॉर एग्जांपल तुमको आर्टिकल लिख रहा है तो उसमें अपना ओपिनियन सोच समझ के डालना, ठीक है, क्यों, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन और आगे वाला का ओपिनियन मैच ना हो, तो यहाँ तो कंगना रनौत का सीन था, मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में अपना ओपिनियन सोच समझ के डालना, कहीं ऐसा ना हो कि चोट लग जाए आगे वालों को तुम्हारे ओपिनियन से, तो तुम्हारा ओपिनियन जो है वो अम्यूजिंग होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स ओपिनियन दो, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और उसके पास उसका कोई सोल्यूशन है तुम लोग के पास, जैसे आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए है, तो ये सब डालो। बहुत जन अनएम्प्लॉयमेंट बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो वहां पे तुम लोग एक मॉरल फैक्ट डाल सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट किसी का फॉल्ट नहीं है, इंडिया के लोगों का फॉल्ट है, क्यों, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि इंडिया में पहला रीजन वन कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, रीजन टू कि लोग जो हैं वो पढ़ाई नहीं करते, इंडिया में पढ़ाई नहीं करते, ठीक है, बहुत सारा जैसे इंडिया का कॉलेज में तुम लोग देखते हो चीटिंग कैसे होता है, तो ये सब पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, ओके। अम्यूजिंग का मतलब बेसिकली होता है राहुल कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनिंग हो, ठीक है, अम्यूजिंग मतलब एंटरटेनिंग हो, ओके, और सिर्फ लिखना नहीं है, एक्सप्लेन भी करना है कि तुम्हारा ये ओपिनियन क्यों है, दो से तीन लाइन के अंदर ओपिनियन भी दे दो और छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन भी दे दो कि हम इसीलिए ऐसा सोचते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कंक्लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इसके ऊपर एक अलग पैराग्राफ होता है कंक्लूजन के ऊपर। इसमें क्या होता है, हम लोग सम अप करते हैं, सम अप योर व्यूज और सजेशन वगैरह देते हैं, सजेशंस, ठीक है। सॉल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम के ऊपर आर्टिकल लिख रहे तो कंक्लूजन में उसका सॉल्यूशन देंगे। तो हम क्या बताएं, हम बोले पहले होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या ध्यान रखना है कि कैची हो, इंटरेस्टिंग हो, पढ़ के मजा आए, मन करे आगे वालों को आगे पढ़ने के लिए। फिर अपने जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें फैक्ट्स फिगर्स होना अनिवार्य है, एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, ऑप्शनल है, कॉजेज डिसएडवांटेज प्रोस कॉन्स, यही सब मिलके बनता है उसका बॉडी। लास्ट में अपना ओपिनियन दे सकते हैं कंक्लूजन लिखते टाइम, बट उसका जस्टिफिकेशन देना है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, डू नॉट बीट अराउंड द बुश, डू नॉट बीट अराउंड द बुश। मतलब इसका मतलब क्या भैया, बीट अराउंड द बुश का मतलब टू टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। आर्टिकल लिख रहे हैं, ये नहीं कि इसका वर्ड लिमिट एकदम बहुत ज्यादा होता है। आर्टिकल में तुमको बोल देगा कि 150 वर्ड के अंदर या 200 वर्ड के अंदर लिखना है, तो इंपॉर्टेंट चीज लिखो, फालतू चीज नहीं लिखना है, अनइम्पॉर्टेंट चीज नहीं लिखना है, इधर उधर नहीं बात करना, उसके बारे में बात करना है, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो द वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, द वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब्ड। अगला जो वर्ड लिमिट बोला है 150 वर्ड या 200 वर्ड क्वेश्चन में बोल देता है, उस हिसाब से तुम लोग को लिखना है। और तीसरा, डू रफ वर्क। हम हमेशा बोलते हैं, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं बोल रहे, ये हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि रफ वर्क करो, रफ वर्क करो, ठीक है। जैसे लॉ और बीसीआर दो हिस्सा होते हैं, तो पहले क्या करो, तुम लोग को अगर कंफर्टेबल है कि हम लॉ पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो लॉ सॉल्व कर लो, तुम लोग को लगता है बीसीआर सॉल्व करना चाहते हैं बीसीआर सॉल्व कर लो। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना कि बीसीआर में मैक्सिमम हम 1 से 1 आवर 15 मिनट्स देंगे और लॉ में 1.5 घंटा से 2 घंटा इसके आसपास मेरा लगेगा, तो उस चीज का दिमाग में ध्यान रखना कि टाइम लिमिट मेरा। भैया हाँ, ऊपर देख लें ना भैया, हम ऊपर देखें, मतलब स्क्रीन ऊपर करिए। हाँ ठीक, और ऊपर, इसका जो रफ वर्क है वो कैसे करना है भैया, तो सबसे पहले डायग्राम वाला रफ वर्क होता है, तुम लोग लिखेगा बॉडी, सबसे पहले कैसे बॉक्स में लिख देना बॉडी, और बॉडी का अलग हिस्सा होगा। पहला हिस्सा हम क्या बोले, पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन, तो एक लाइन खींच देंगे इंट्रोडक्शन। दूसरा हिस्सा आइडियाज, तो एक लाइन खींच देंगे आइडियाज। और तीसरा हिस्सा होता है कंक्लूजन। ये हम नहीं बोल रहे तीन पैराग्राफ है, पैराग्राफ तुम 5 डालो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर हम किसका बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं रफ वर्क। रफ वर्क का 3 हिस्सा होता है, इंट्रोडक्शन, आइडियाज, कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले लिख लो पूरा, फिर समझाएंगे। एनेक्डोट, कोट्स, क्वेश्चंस, फैक्ट्स, ये सब चीज इन्वॉल्व कर सकते हैं। आइडियाज में जो है कॉजेस, एनेक्डोट्स मतलब भैया, बता रहे सब बता रहे, प्रोस कॉन्स,
ये सब चीज के बारे में बात कर सकते हैं। और कंक्लूजन में इसके बारे में बताएं, सोल्यूशन होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए और समराइज करना है। कॉपी करो फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एनेक्डोट, मतलब शॉर्ट बहुत शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अवॉइड करना, एग्जाम में अवॉइड करना। ऐसे कल को अगर कहीं आर्टिकल लिख के भेज रहे हो तो हम बता रहे कि एनेक्डोट लिख सकते, एग्जाम में इसको अवॉइड करना। इसके बदले क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं कि कोरोना वायरस, ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, विल दिस पैंडमिक एवर लास्ट। ऐसे खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये पैंडमिक कभी खत्म होगा, तो एक सवाल से स्टार्ट किए, आगे वाला को भी लगेगा कि हाँ ये पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन फैक्ट फिगर में कि इंडिया में फर्स्ट केस कब आया था, फर्स्ट केस अगर डेट याद है तो डाल दो, मंथ याद है तो डाल दो, किस स्टेट में आया था, ठीक है, स्टेट कौन सा था, उसके बाद कहाँ से आया था, फ्रॉम वेयर, ये याद है तो डाल दो, ठीक है। एग्जाम देने से पहले पहले क्या सीन था, लेटेस्ट सिचुएशन, उसके बाद कौन कौन से कंट्रीज जो है वो टॉप में है, कौन सा सबसे अच्छा रिकवरी है, इंडिया में सबसे अच्छा रिकवरी रेट किसका है, ये सब फैक्ट एंड फिगर याद रखना जरूरी है। भैया ये फैक्ट एंड फिगर में इंडिया फर्स्ट, उसके बाद केस CASE, उसके बाद भी, उसके बाद कौन सा स्टेट में, स्टेट वेयर, स्टेट मतलब किस राज्य में पहली बार आया था कोरोना वायरस, हाँ उसके बाद क्या लिखे, लास्ट, देखो हम रीड कर रहे हैं, इंडिया का पहला केस कहाँ था, दूसरा लिखे स्टेट, तीसरा लिखे वेयर, ठीक है, कहाँ से आया था कोरोना वायरस, तो दूसरा देश से आया था ना, तो किस देश से आया था, फिर लेटेस्ट सिचुएशन, रिकवरी रेट कौन सा कंट्री का बेस्ट है, कौन सा स्टेट का अच्छा है, कौन सा स्टेट का सबसे खराब हालत है इंडिया में, ये सब जानकारी, ठीक है। क्या बोलता है, टॉपिक जो है वो यूनिक होना चाहिए, हम लोग भी ये बात कर चुके हैं कि हाँ भैया टॉपिक यूनिक होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस को जाने, ठीक है, तुम जो लिख रहे हो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है, तुम्हारा जो पेपर चेक करेगा वो, तो उसको समझो कि वो क्या सोचेगा जब हम ऐसा लिखेंगे। फिर एम, तुम किस टॉपिक पे लिख रहा आर्टिकल, उस एम को समझो, ठीक है। टाइटल हम बोल चुके आई कैचिंग होना चाहिए, ओपनिंग सेंटेंस पे ध्यान दो, रीडर का अटेंशन को ग्रैब करना है, उसका मूड को लाइट करना है, तो वैसा ओपनिंग सेंटेंस ढूंढो। फिर राइटर जो है उसके पास काफी मतलब डिटेल होना चाहिए, फैक्ट फिगर नहीं होगा आर्टिकल में जीरो मिल रहा है, पहले ही बता दे रहे, जनरल नॉलेज नहीं है आर्टिकल में जीरो मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम जो लिख रहे हो अपना ओपिनियन, अपना दावा, वो सब लिखो, आर्टिकल को छोटा रखो, अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल को पैराग्राफ में तोड़ना है, बिल्कुल तोड़ना है। चॉइस ऑफ वॉइस एंड टेंस, तुम ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम लिख रहे हैं कि आई बिलीव, ठीक है, अपना नजरिया से हम आर्टिकल में कुछ लिख रहे हैं और अचानक से स्विच कर गए और किसी और के बारे में लिखने लगे, ये क्यों हुआ, क्योंकि भैया हम लोग ज्यादा इंग्लिश यूज नहीं करते। बट इस चीज का ध्यान रखना कि वहां पे जो है किस वॉइस में लिख रहे हो, ठीक है, किस तरफ से, मतलब अपने नजरिए से लिख रहे हो, किसी और का नजरिया बता रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो वो सब चीज पे ध्यान रखना। और कंक्लूजन एकदम लॉजिक होना चाहिए, बेमतलब का अपने, मतलब ऐसा कोई कंक्लूजन मत डालना कि आगे वाला पढ़े तो उसको लगे कि ये बंदा गलत बोल रहा है या फिर किसी का भी सेंटीमेंट्स को हर्ट करे। ओके, क्या वजह थी, कोई प्रॉब्लम, ओके। देखो तो हम लोग आते हैं
ठीक है, तुम लोग सबको हम 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग आर्टिकल नंबर 1 पेज नंबर 8.5 में रीड करो, ठीक है। तो जो लोग रीड किया वो लोग को समझ में आया कि भैया जो आर्टिकल अपना यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो तो जबरदस्त आर्टिकल है, मतलब इतना ज्यादा फैक्ट और फिगर कैसे चलेगा, ठीक है। तो मानू एक एक सेकंड रुकना, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 2 का पॉइंट 1 कार्ड पेमेंट ऑन अ हाई आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, यहाँ पे ना तुम लोग को आर्टिकल का हेडिंग दे दिया, ठीक है, आर्टिकल का हेडिंग दे दिया है। बहुत देखो दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है कि एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल पढ़ो और उसको हेडिंग दो, ठीक है, हेडिंग नहीं दिया हुआ तुमको हेडिंग देना है, या फिर तुमको आर्टिकल का हेडिंग देगा और पूरा का पूरा आर्टिकल लिखो, ये दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो होमवर्क है तुम लोग का आर्टिकल 1 और 2 का हेडिंग देना है, एक्सरसाइज में आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 पहले ये दोनों का हेडिंग दो, फोटो हेडिंग मतलब लिखो और मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पहले क्लास वर्क में करते हैं कार्ड पेमेंट ऑन अ हाई आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। सबको नया पेज में आओ और लिखो टॉपिक, लिखो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 पेज 8.3 बोल रहे, क्वेश्चन 2 पार्ट 1, क्वेश्चन 2 पार्ट 1 पेज नंबर 8.8 ऐसे लिख दो, और इसके नीचे वाले लाइन में लिखो कार्ड पेमेंट ऑन अ हाई आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, ये हम लोग का टॉपिक है, ठीक है भैया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ, पहले क्या करेंगे रफ, तुम लोगों का पूरा टॉपिक किस टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहा है भैया, डीमोनेटाइजेशन। तो नीचे बीच में करके लिख दो थोड़ा डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन। भैया ऊपर वाला देख रहे हैं थोड़ा सा हेडिंग, क्या हेडिंग, हेडिंग जो लिखे हैं ये हेडिंग तुम लोग का बुक में बाबू, कार्ड पेमेंट ऑन अ हाई आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। राइटिंग स्पीड का ना ध्यान रखना सबको, ही एग्जाम में बहुत बार होता है कि दिमाग में तो है लेकिन लिखने में टाइम नहीं बचा, पेपर लेंदी था, तो राइटिंग स्पीड फास्ट रखना है। डीमोनेटाइजेशन सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं अपन, ठीक है, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देते हैं। तो चैट में मेरे को सबको बताएगा फटाफट कि डीमोनेटाइजेशन किस दिन में हुआ था, फटाफट बताओ। डीमोनेटाइजेशन नवंबर में हुआ था, डेट क्या था, एनीबॉडी, नवंबर 2017 में हुआ था, डेट क्या था, 8000, वेरी गुड अनिरुद्ध, 8/11/2016। तो इंट्रोडक्शन हम लोग डेट के साथ कर सकते हैं यहाँ पे कि 8/11/2016, ठीक है, रात के 8 बजे, वेरी गुड। तो 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था। अभी हम लिखें ऐसे 8/11/2016, एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते, सबसे पहले पॉइंट एग्जाम में कैसे लेंगे, 8 नवंबर, 2016 इस तरीके से लिखना है, ठीक है, कैसे 8 नवंबर 2016, डेट ऐसे मत लिखना एग्जाम में, ओके। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं। अच्छा किसी के दिमाग में कोई कोट आ रहा है, कोट, कोई कोट आ रहा है, कोई प्रोवर्ब, कोई सेइंग जो हम लोग डीमोनेटाइजेशन में डाल सके तो बताओ मेरे को चैट में। एनीबडी, यहाँ पे टॉपिक है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद से कार्ड पेमेंट बढ़ चुका है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बूस्ट टू डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया,
बूस्ट टू डिजिटल इंडिया, ये रफ वर्क हो रहा अभी, इराडिकेशन ऑफ ब्लैक मनी, इंट्रोडक्शन हो गया, हाँ इम्पैक्ट ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन ये लिख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या। बाबू हम लोग इंट्रोडक्शन का बात करें तो उस पर फोकस करते हैं, तुम लोग जो दे रहे ना ये सॉर्ट ऑफ हेडिंग हो गया, इंट्रोडक्शन में कुछ अच्छा लिख सकते हैं हम लोग। चलो उसके बारे में आगे बात करते, पहले बात करते हैं इम्पैक्ट, डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहला इनकन्वीनियंस, लोग जो थे वो लंबे लंबे कतार में खड़े हो रहे थे, दिन दिन भर एटीएम के सामने लंबा लंबा लाइन लगा रहता था, तो इनकन्वीनियंस हुआ था, पैसा का कमी हो गया था। अच्छा, राइज इन डिजिटल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इसका इम्पैक्ट एक था कि दिक्कत हुआ, और दूसरा कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसका बढ़ोतरी हो गया था। अब हम लोग आ रहे टॉपिक के पास कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ावा हो गया था। अब प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, एकदम प्रॉपर वाला प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं। पहले लिखते हैं प्रोज, ठीक है, अच्छा क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले लिखो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, इसका प्रोज ये था कि भैया पहले के टाइम पे मानिए कोई पेमेंट होता है तो वो कैश में हो गया, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है मेरे पास, तो हम इनकम टैक्स में उसका बिल वगैरह दिखाते थे, तो इससे ब्लैक मनी ज्यादा होता था। अभी क्या है, अकाउंटेबिलिटी हो गया कि भाई तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है, देखो फायदा यहाँ पे सिर्फ डीमोनेटाइजेशन के नहीं, ऑनलाइन का भी करना है, ठीक है, ओके। हम लोग को ध्यान रखना है क्या कि भैया सिर्फ डीमोनेटाइजेशन से नहीं चिपकना है, ऑनलाइन पेमेंट को भी बोलना है, तो जब ऑनलाइन पेमेंट होगा तो तुम्हारे पास प्रूफ रहेगा बैंक से कटा हुआ, किसका अकाउंट में गया, तो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी आया, ओके। उसके बाद गवर्नमेंट कैन मॉनिटर, जो गवर्नमेंट है वो देख के बता सकता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ घपला हो रहा है, कौन टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो सब बताना गवर्नमेंट के लिए आसान हो गया, करप्शन कम हो गया, ठीक है। हाँ राहुल, मेथड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट इंक्रीजेस, भीम UPI, कंपनीज लाइक पेटीएम एंड फोन पे, ये लोग को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, ये लोग का बिजनेस बढ़ा, ओके। तो कुछ एक दो प्रोज हम लोग लिखे हैं, तुम लोग के पास लंबा लिस्ट है, बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखना है कि वर्ड्स, वर्ड लिमिट का ध्यान, तो प्रोज हो गया, अब लिखो कॉन्स, प्रोज तुम लोग अपना ऐड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो कॉन्स, क्या बुरा था, कॉन्स मतलब बुराई। सबसे पहला प्रॉब्लम था डीमोनेटाइजेशन का, बिग क्वेश्चन ऑन एक्सचेंजिंग नोट्स, कि भैया नोट कैसे एक्सचेंज हो, क्या लिमिट है, हर किसी को इसका ज्ञान नहीं है। फिशिंग, ये भी एक प्रॉब्लम है, फिशिंग, फिशिंग में क्या होता है, तुमको ना कोई फेक लिंक भेज देगा कि ये लिंक से तुम लोग लॉगिन करो, तुम लोगों को पेटीएम में 10 रुपया कैशबैक मिलेगा, तुम लोग जब लॉगिन करोगे तुम्हारा आईडी पासवर्ड उसके पास चल जाएगा, कैशबैक तो नहीं मिलेगा लेकिन पेटीएम में जो पैसा है वो भी वो लोग निकाल लेगा, तो ये फिशिंग होता है। उसके बाद इन एडिक्वेट, देखो हम कैसा वर्ड लिखे, इन एडिक्वेट यानी कि कम, हम यहाँ पे लिख सकते थे लेस, ठीक है, लेकिन हम क्या लिखे, इन एडिक्वेट, यहाँ पे तुम लोग का इंग्लिश टेस्ट होगा, ठीक है, ये सब वर्ड तुम लोग को जानना होगा। इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यू करेंसी, सप्लाई ऑफ न्यू करेंसी, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम था, ये सब कॉन्स था। अच्छा, अभी तक फैक्ट एंड फिगर नहीं लिखे भैया आप, चलो लिखते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसका कॉपी में नहीं अट रहा है वो नीचे लिखते जाना पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स। 80% इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है, 80% बढ़ोतरी हुआ था डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन में, ऑनलाइन ट्रांसफर्स में, ठीक है,
हजारों करोड़ तक का, हजारों करोड़ तक का ट्रांजैक्शन पे ऑनलाइन हो रहा था इंडिया में। अच्छा, ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पे हम कंपनी लिख सकते थे लेकिन इंडस्ट्री लिखे क्योंकि तुम लोगों को ये तो पता है ना कंपनी क्या होता है इंडस्ट्री क्या होता है। कंपनी मानो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये सब क्या है, ये सब भैया टेलीकम्युनिकेशन का कंपनी है। और जब सिमिलर कंपनी को एक जगह कर दे तो वो इंडस्ट्री होता है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। उसी तरीके से हम लोग अगर बात करें रिन जो साबुन है, लक्स, ये सब क्या है, साबुन का कंपनी है, लेकिन एक साथ बोले तो FMCG है भैया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो उसी तरीके से डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री जो है वो पहले था 20-25% और अब 40-70% तक वो ग्रो किया, 20-40% तक का ग्रोथ। भैया ये ग्रोथ, ये सब डाटा कहाँ से मिल रहा है? दो चॉइस है तुम लोग के पास यार, ये कौन एनोटेट कर रहा है, पहले मिटाओ एनोटेशन, जो भी कर रहा है मिटाओ, गुड। हाँ, अब ध्यान दो, जो यहाँ पे है ये डाटा है, ये डाटा भैया आपको कहाँ से मिला? तुम लोग के पास ना ये सब डाटा का दो ऑप्शन है, अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं तो हम लोग तुक्का मार सकते हैं। अगर तुक्का हम लोग को पता है कि सही होगा, मतलब जैसे हम तुक्का मारे कि पहले 20-25 होता था, 40-70 होता है, ऐसा कोई डाटा नहीं है मेरे पास, लेकिन हम तुक्का मारे, क्यों? क्योंकि समझ में आ रहा है और इसीलिए हम रेंज दिए 20-25, 40-70 रेंज दे दिए। कल को मानो आगे वाला बोले कि यार बढ़ोतरी तो 60% हुआ, तो हम बोल देंगे हम तो 40-70 लिखे हैं। समझ में आ रहा है कि हम लोग तुक्का भी मार सकते हैं लेकिन तुक्का सही हो, और हर जगह तुक्का नहीं चलेगा। यहाँ पे 80% इंक्रीज बोले, ये डाटा है, ये गवर्नमेंट का डाटा है, लेकिन नीचे में हम तुक्का मार के फैक्ट एंड फिगर लिखे। तो हम दो तरीका दिखा दिए, एक नॉलेज है, दूसरा तुक्का मार है। ओके, अब आते कंक्लूजन, कंक्लूजन में तो इसमें यही है कि मोर एफिशिएंट पेमेंट मेथड, अब तुम लोग घर में बैठे बैठे हर चीज का पेमेंट करते हैं, पेमेंट मेथड। दूसरा कंक्लूजन है कि ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसे करके कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। कॉपी करो सब कोई, आई होप ये एक पेज तुम लोग का पूरा ले लिया होगा, और कभी भी एक पेज में रफ बनाएंगे उसके अगले पेज में नया आंसर स्टार्ट करेंगे, और नीचे में लिख देंगे क्या, प्लीज टर्न ओवर PTO नीचे में ना, जैसे ये पेज खत्म हुआ तो क्या लिख देंगे, PTO, यानी कि आगे वालों को बताएं कि आंसर अगला पेज में, लिख देंगे PTO। ओके, आई होप सबको कॉपी कर लिया होगा। अगला पेज में आओ और लिखो आंसर, आंसर क्या था, टू, थोड़ा सा दिखाइए ना कहाँ पे, कंक्लूजन लो। अरमान अपना तुम राइटिंग स्पीड तेज करो, तुम्हारा राइटिंग स्पीड स्लो है। हो गया भैया, हो गया, हो गया ना, बहुत लोग का होता है ना हैंडराइटिंग अच्छा होता है, तो हैंडराइटिंग अच्छा के साथ स्पीड भी ज्यादा तेज करने का जरूरत है। ओके, आई होप सब कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट पेज में आओ, लिखो आंसर, लिखो आंसर 2-1, और टॉपिक फिर से लिखो कार्ड पेमेंट ऑन अ हाई After demonetization by XYZ। सबसे पहला सवाल, क्या ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है? नहीं भैया, कुछ बोला नहीं, वर्ड लिमिट है 500, ये दो चीज ध्यान रखें, कुछ नहीं बोला, मान लो इंटरनेट पे लिखते हैं, ठीक है, तो डेट नहीं दिए। ओके, अभी हम ना एकदम सिंपल स्टार्टिंग रखते हैं, हम वैसे एकदम सिंपल करके चालू करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, लिखो ऑन 8th नवंबर
2016 कॉमा ये पॉइंट्स क्यों दिया भैया बुक में कहाँ पे वही जिस जो आप लिखवा रहे हैं उसी का हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना पहले उसके बाद वो सब डिस्कशन करेंगे ऑन 8 नवंबर 2016 गवर्नमेंट अनाउंस्ड discontinuation of ₹500 and ₹1,000 notes. This caused great inconvenience to people This caused great inconvenience to people and forced them to use digital methods like Net banking comma mobile banking comma e-wallets comma debit and credit cards and etc etc full stop फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे अगले पैराग्राफ में Swarm, S-W-A-R-M, swarm of people. देखो यहाँ पे हम क्या किए जब बहुत सारे लोग साथ में होते हैं तो क्या बोलते हैं Crowd of people या फिर swarm of people. ठीक है जैसे बहुत सारा जब sheep हो sheep जानते हैं ना तुम लोग बाबा बाबा black sheep वो वाला sheep जो है साथ में जब चराने निकलता है तो क्या बोलते हैं herds of sheep. ठीक है herds, H-E-R-D-S. तुम लोग किसी भी स्कूल से हो ये सब बेसिक इंग्लिश है तुम लोग जानता होगा तो वो सब बेसिक इंग्लिश का इस्तेमाल अब करना है लिखेंगे स्वार्म ऑफ पीपल सीकिंग एक्सचेंज ऑफ ओल्ड नोट्स For new notes increased the suffering of people. Increase the suffering of people. However, just as every coin has two sides, demonetization, two sides ke baad comma, demonetization. Two had some positive effects. Some
पॉजिटिव इफेक्ट्स फुल स्टॉप। फिर से पैराग्राफ चेंज, नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ, लिखो बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन because of demonetization comma there was a rise of around 80% in digital transactions amounting to ₹1800 crores full stop। फिर the digital payment industry showed a growth of 40-70%, which was 20-25% earlier, full stop। उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस विल हेल्प in tracing will help in tracing the money easily and impose accountability on people accountability एक सेकंड, impose accountability on people। This has not only been beneficial for the government but also made people more tech savvy मतलब technology से related tech savvy This invented the concept of a cashless economy and pay anytime, comma anywhere.
पैराग्राफ चेंज, लिखो डीमोनेटाइजेशन, डिड कॉज ट्रबल टू मेनी, बहुतों को ट्रबल हुआ, बट वन कैन ऑल्सो नॉट इग्नोर, वन कैन ऑल्सो नॉट इग्नोर द गुड इट हैज डन, गुड इट हैज डन, फुल स्टॉप. वी कैन होप, वी कैन होप द इंडियन पेमेंट सिस्टम, द इंडियन पेमेंट सिस्टम टू बिकम मोर एफिशिएंट, टू बिकम मोर एफिशिएंट विथ ग्रेटर यूज ऑफ बैंकिंग सिस्टम, फुल स्टॉप. तो ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो गया. अभी देखो ये जो हम लोग लिखे ना, ये जो हम लोग लिखे हैं उसका पहला हिस्सा क्या था, इंट्रोडक्शन, ठीक है. फिर क्या किया, जितना फैक्ट एंड फिगर था वो सब लिखे. ये तुम लोग मत लिखना जो हम साइड में लिखे, ठीक है. फैक्ट एंड फिगर लिखे, प्रोज एंड कॉन्स लिखे. ऊपर प्रोज एंड कॉन्स था, ठीक है, फैक्ट फिगर प्रोज कॉन्स. और सब लिखने के बाद हम लोग कंक्लूजन लिखे. कंक्लूजन देखो कैसे लिखे, हम दोनों बात का जिक्र किए. हम ये भी बोले कि प्रॉब्लम तो हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि उसके कारण क्या क्या अच्छा हो देश, ठीक है. अगर तुम लोग चाहो तो इसमें कंपनीज का नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, गूगल पे, एनीथिंग, ठीक है. ओके, तो ये प्रॉपर तुम लोग को इस तरीके से लेटर आइए लिखना है, आर्टिकल राइटिंग. अब लिखो होमवर्क पेज 8.8, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2. सबको हम स्क्रीन में दिखा दे रहे हैं, टिक मरवा दे रहे हैं. ये कार्ड पेमेंट हो चुका, मुंबई नो लॉन्गर इंडियाज इकोनॉमिक कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑब्स्टिकल इन द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, फिशिंग, ये तीनों तुम लोग को बनाना है. ये दोनों एकदम छोटा सा ऊपर में एक टाइटल लिख के भेजना. तो ये दोनों का टाइटल मेरे को शाम तक सबको भेज देगा, आज शाम 6 बजे तक. और बाकी ये तीनों आर्टिकल तुम लोग के पास लास्ट टाइम है इसको सबमिट करने का, एक दिन बाद, दैट इज डे आफ्टर टुमारो, सैटरडे या फिर संडे तक तुम लोग दो, टाइम दे रहे हैं. ओके, आई होप सबको ये होमवर्क टाइम पे भेजेगा. जिसका मेरे को अच्छा लगेगा उसका हम ग्रुप में भेजेंगे और तुम लोग देखना वो कैसे लिखा है, ठीक है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फटाफट सबको बोलो क्लास समझ में आया. हाँ बोलो भैया, 8.8 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ना. क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स एंड प्रोवाइड अ सूटेबल टाइटल. इसके अंदर दो क्वेश्चन है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2. और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक हिस्सा हम लोग कर लिए, 2, 3, 4, ये तीन बाकी रहेगा, ठीक है. अच्छा राहुल एक बार अनम्यूट करो. अच्छा ठीक है भैया. राहुल. हाँ भैया. हाँ बाबू, तुम क्या बोल रहा था? हाँ भैया, तुम कुछ बता रहा था हमको इसके बारे में ना, जो तुम्हारा स्क्रीन पे अभी. हाँ वो पॉइंट्स जो दिया हुआ था. हाँ, तो ये जो पॉइंट्स है ये हम लोग जो रफ वर्क किए थे ना, ये वही चीज है. इसमें देखो बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ, ठीक है. तो तुम लोग ये देख सकता है कि इसमें हम तो एक छोटा सा लिखा है क्योंकि क्लास में टाइम कम था, बट तुम लोग अच्छा खासा लिख सकता है. 500 वर्ड का लिमिट है और काफी अच्छा अच्छा डिटेल लिख सकता है. तो ये तुम लोग एक बार रीड कर लेना, तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है, कि स्टैंडर्ड कैसा ICAI चाहता है. ओके,
आई होप सबको होमवर्क अपने टाइम पे देगा. किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो क्लास के बाद मेरे से कॉन्टेक्ट करना, ठीक है? चलो, थैंक यू, बाय.